ओम शांति। आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। ठंड पड़ी थी और कड़ाके की ठंड थी, और इतनी कड़ाके की ठंड थी कि जंगल के प्राणी उस ठंड को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो जैसे एक 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 उससे मर रहे थे। और ऐसे में पोक्यूपाइंस, वो जो प्राणी हैं, उन्होंने सोचा इस कड़ाके की ठंडी से हमें या तो मरना होगा या तो फिर अपनी रक्षा करनी होगी। कैसे रक्षा करें? तो उन्होंने सोचा, चलो हम सभी इकट्ठे आते हैं, एकदम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे को कवर करेंगे तो हमारी अपने आप रक्षा हो जाएगी, तो ठंड हमें लगेगी नहीं। और फिर वो पोक्यूपाइंस इकट्ठे आए, एकदम एक दूसरे के समीप आए, लेकिन मालूम है क्या हुआ? उनके जो क्विल्स थे ना, वो जो काटे थे लंबे लंबे, वो एक दूसरे के जो समीप आए उनको वो चुभने लगे, और वो ऐसे चुभने लगे, खून आने लगा। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया, ऐसे खून आने के बजाय, कांटे चुभने के बजाय, चलो ना हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उन्होंने डिसीजन लिया, हम अलग हो जाते हैं। जैसे वो अलग हो गए, अकेले अकेले हो गए, ऐसे वो एक एक मरने लगे। फिर वापस उन्होंने बहुत होशियारी से डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, कांटे ही चुभ रहे ना, लेकिन अच्छा है ना, कड़ाके की ठंडी के बजाय कांटे चुभना सहन करना, कम से कम ठंड से तो रक्षा हो जाएगी। तो क्यों नहीं हम सभी इकट्ठे रहे, छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात है, और उन सब की रक्षा हो गई। क्या सीखते हम इस कहानी से? हम भी कई बार रिश्तों से अलग हो जाते हैं ना, या वो रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों? वो कांटा चुभता है ना। कौन सा कांटा? उनका ईगो। कहते बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है, बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे से नहीं सहन होता बाबा, उससे तो अलग हो जाएंगे। अरे ये बहुत खुद का बहुत बढ़ाई करते हैं, नॉट पंक्चुअल, कभी समय पर नहीं आएंगे, या फिर बहुत झूठ बोलते हैं, कितना सारा काम बताते, इसके बजाय तो अकेले रहना अच्छा, मैं भला मेरा काम भला। मालूम है क्या होता है, जब हम अकेले हो जाते हैं तो भले उनका गुस्सा सहन नहीं कर पाते, उनका गुस्सा सहन करने की नौबत नहीं आती, ना उनका एटीट्यूड। बात तो छोटी सी थी ना, छोटी सी, इतनी सी बात, लेकिन अकेले को कितना कुछ करना पड़ता, अकेले की रक्षा कौन करेगा, गाइडेंस कौन देगा, शेयरिंग कहाँ होगा, संवाद कहाँ होगा। और वही अगर हम सब मिलकर चलते, सिर्फ सहन करने की बात है ना, थोड़ा सा सहन कर लो, इट्स ओके, वो गुस्सा करते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन लुक एट अदर साइड, वो काम बड़ा परफेक्ट करते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिल जाता है।
वो एरोगेंट है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप भी तो नम्रचित्त हो ना, वो झूठ बोलते हैं, इट्स ओके, बाकी तो मेरे सब काम हो रहे ना, तो चलो ना अकेलेपन को छोड़ दो, दूसरों से डिस्कनेक्ट होना, रिश्तों से कट ऑफ होना, अकेले रहना, इसके बजाय आओ वापस हम सभी एक हो जाए। आओ ना हम सभी रिश्तों के साथ मिलकर चले, एक दूसरे के कांटों को सहन करें, सहन करें तो जिंदगी का जो आनंद है ना बहुत अच्छा ले सकते हैं। किसी से तोड़ने की बात को छोड़ दो और सिर्फ जोड़ने की बात करें, जोड़ने की बात करें। हैप्पी डे।